आप लोगों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि फेरों के समय शादी के मंत्र के बजाय हमने अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ दिए थे। उपाय क्या है इसका? इन दोनों की शादी दोबारा करवानी पड़ेगी। अरे भाई, तुम्हारा फूल गिर गया। झूठे हो ना तुम विभू, इतने झूठे हो ना, यू डिस्गस्टिंग। इस तिवारी के बच्चे ने सांप की बिल में हाथ डाल दिया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हम लोग बैचलर पार्टी करते हैं गुलफाम कली के कोठे पे। ये तो तिवारी जी है यार। बैठा हुआ यार। ये मेरी भी शौक। क्या चल रहा है भभूति जी? बस कुछ नहीं, दिवाली पत्ते खेल रहा। खेले नहीं भाई, हम पत्ते वत्ते ना खेलते। क्या दिवाली जी, आप पोगल पप्पू हैं यार, मजा आता पत्ते खेलते रहा। ये बेटा का है भैया? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तुम सोचो जो बताओ, तुम यार बीच चौराहे में सोचो जुआ खेल रहे हो। तुम्हें पता है जो गैर कानूनी है? दरोगा आपू सिंह जी, कानून की बातें मत करिए मुझसे। आप माफ कीजिएगा, मुझे पता है आप सस्पेंडेड चल रहे हैं, तो जरा कानून के किसी और को बताइए जाके। चलिए तुम सुनो, ठहर जाओ। हम अब सस्पेंड नहीं है, जो अपनी गलत फहमी पहले तो दूर कर लियो। हमारी बहाली हो चुकी है महाराज। बात अलग है ससुर कि जब बहाली के चक्कर में कमिश्नर की लुगाई तक के कपड़ा धोने पड़ गए। छोड़ो, जो हो कर रहा हुआ जो बताओ तुम। बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बहाली हो गई। हम पत्ते खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको? चल फिर चल। तिवारी जी, तो पकड़े, एक मिनट, अभी आया। सुसु, अरे कम, अभी आया, अभी। अरे बहुत यार, जो बताओ जाके बाप के हम नौकर लगे हैं का? ऐसे राजा महाराजाओं की तरह सूत्र ऑर्डर देके चलोगे अपने पत्ता? जाको पत्ता है जो सूत्र सब गैर कानूनी होते, वो फालतू की चीजें हैं ये सब। अनीता जी, है ना, एक ठो बात ना हमरे गले के नीचे ना ही उतर रही है। कैसी बात? यही कि हमरे लड्डू के भैया ऐसे ना ही हो सकते हैं। सच बताऊं तो अंगूरी जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये मैंने न्यूज चैनल पे देखा ना, तो मुझे एक धक्का सा लगा है। लेकिन आपको पता है हमरी अम्मा जी क्या बोलती है? वो बोलती है कि कभी कभी आंखों का देखा भी ना झूठा होता है। मैं भी यही प्रे करती हूँ कि जैसा आप सोच रही हो वैसा ही हो, लेकिन ना मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। ये खबर सुन के ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है। हेलो भाभी जी, हेलो आदू, व्हाट्स अप? हेलो भरभूति जी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसे हैं बा? हाय। और विभू, कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहा हूँ, बहुत देर से घर पे था। अच्छा। घर की चाबी मेरे पास है। हाँ, तो मैं घर के बाहर बैठा था लॉन में, घर ही तो है वो भी। और दूसरी बात है कि जब बोर हो रहा था, मैंने कहा भाभी जी से जरा हलवाई कर लूँ। भाभी जी, रिमोट दीजिए, जरा टीवी पे न्यूज़ देखता हूँ। बढ़िया। नहीं 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 नहीं, वो न्यूज़ चैनल ना ही लगाइए। भाभी जी, न्यूज़ चैनल सही पकड़े हैं, वो गुड्डू चैनल ना ही लगाइए। क्यों भाभी जी? हाँ, वो कहा है ना भरभूति जी कि वो पिछली बार हम लड्डू के भैया का खबर देखे थे ना वो गुड्डू चैनल में, तो हमको बहुत डर लगने लगा है अगर फिर से उनका कोनो खबर आ गया तो। भाभी जी, डोंट वरी, आपके लड्डू के भैया बार बार थोड़ी पकड़े जाएंगे। और कहते हैं ना कि समझदार आदमी जिंदगी में एक ही बार गलती करता है, वो गलती उन्होंने कर दी। आई थिंक आई मीन ही इज गुड, ही इज गुड नाउ। हां ठीक बा, लगाइए। ये लीजिए। चलिए फिर, ये हमारी 500 की चाल।
तो भैया आम का चुटका मैका, अरे दादा लियो हमारी 1000 रुपया की चाल। चलो ये भभूति जी अभी तक नहीं आया, कहा लघु शंका के लिए रहेगा? हमें ऐसा लग रहा है कि इनकी लघु शंका ससुर दीर्घ शंका में बदल गई। मरण दो ससुर। लेकिन काफी वक्त हो गया ना इसलिए पूछ रहे। चलिए फिर शो कीजिए। साथ में करे तो केसु रहेगू महाराज। बहुत सही रहेगा। करो फिर। एक दो तीन। देखिए आप लोगों के सामने सरेआम जुआ खेल रहे हैं। देखिए 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 जुआ जुआ खेल रहे हैं। अरे कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। अरे 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 कड़ी खाए, हम ससुर के जुआ नहीं खेल रहे हैं। ऐसे 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 बैठे थे टाइम पास कर रहे हैं। भंकर, भंकर। ये तो हमारी जनता बताएगी कि आप काम कर रहे थे कि टाइम पास कर रहे थे। अभी कल परसों हमने आपके यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेशन करा है, तो गुलफाम कली के कोठे पर आप क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे क्या? भैया जी थोड़ा अच्छे से रो। इधर देखो भैया, कैमरे की तरफ। भैया कैमरे की तरफ इधर देख कर रो ना। हाँ दरवाजी। ये लड्डू के भैया का जुआरी भी है। अभी जी आप तो ओवर एक्ट कर रही हैं। शादी से पहले लड़के में कई तरह के ऐब होते हैं, शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, लेकिन शादी के बाद लड़के सुधर जाते हैं। क्या पट्टी पढ़ा रहे हो तुम उनको? हाँ क्या गलत गलत बता रहे हो? ये जुआ और शराब की लत कभी नहीं छूटती है। हाँ ठीक बोल रही है अनीता जी, बिल्कुल ठीक बोल रही है। देखिए हमरे पुत्तू भैया को कब से छोड़ना चाह रहे हैं जुआ और शराब, लेकिन छोड़ ही ना ही पा रहे हैं। सॉरी अंगूरी जी, लेकिन तिवारी जी मेरी नजरों से इतनी बुरी तरह गिर गए ना, अनबिलीवेबल। हाँ हमरी भी नजरों से गिर गए। आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं तिवारी जी के बारे में? ये सच्चा नाइस गाय, सच्चा नाइस गाय। मेरा दिल कह रहा है कि सब उन्होंने नहीं किया, ये गलती नहीं है उनकी। इज अ नाइस मैन, इज अ जेन्युइनली नाइस गुड मैन। तो अनु का फोन आ गया तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे क्या पता था कि लोंडे आपका स्टिंग ऑपरेशन कर देंगे। I had no idea. यार पता नहीं हमारे जीवन में ये क्या क्या हो रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब गुलफाम कली के कोठे पर गए, वहां कांड हो गया, अब ये कांड हो गया। अब हम क्या करें? अब देखिए अंगूरी हमसे बात तक करने को राजी नहीं है। बात तो क्या, अब वो आपसे शादी भी नहीं करेगी। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने उनको सलाह दी है कि आप जैसे वाहियात इंसान के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें इतने सारे ऐब भरे पड़े हों। नहीं नहीं भाभी जी, कोई ऐब नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से 2 बार आपको कारनामे करते हुए देखा है। एक बार गुलफाम कली के साथ और एक बार आपको जुआ खेलते हुए देखा है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो तो हमारे हाथों में पत्ते टिल्लू थमा गया था। जी 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 भाभी, टिल्लू थमा गया था। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ। और आपकी बात पे ना तो मैं यकीन करूंगी और ना ही अंगूरी जी यकीन करेंगी। और वैसे भी आप अपना ना सारा बोरिया बिस्तरा उठाकर मेरे घर से शिफ्ट आउट कर लीजिए। आप जैसे इंसान को मुझे अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं। अनु बेबी प्लीज, गलती किसी से भी हो जाती है यार, और तिवारी जी को अपनी गलती का एहसास है। अरे क्या 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 गलती का एहसास? हमने गलती की ही नहीं है। तो चुप रहिए ना। विभू तुम्हें इनका वकील बनने की कोई जरूरत नहीं, बस ज्यादा सपोर्ट किया है ना इनको, तो इनके साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी।
अनु ये आदमी कहाँ जाएगा बेसारा, he is my friend, you can't do this to him यार, अनु, अनु, चलिए निकलिए आप, निकलिए निकलिए, निकलिए चाहिए ना, अनु नहीं मान रही है, अच्छा मैं समझ गया, आप क्यों नहीं जा रहे, आपका वो थर्ड नंबर बैग है ना, मैं लेके आता हूँ, आकर लेट, गुड मॉर्निंग भगवती जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तिवारी जी, ये बताइए कैसी कटी रात सक्सेना जी के साथ? अच्छी कटी, बहुत अच्छी कटी भाई। तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने बड़ी कोशिश की अनु को कन्विंस करने के लिए कि आपको घर से ना निकाले, बट आई एम रियली सॉरी, ओके, आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं जनाब, आप सॉरी क्यों फील कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं सॉरी फील, गलती हमारी है। दरअसल क्या है भभूति जी कि कुछ समय से हम ये सोच रहे हैं कि इस छोटी सी जिंदगी को अगर भरपूर जिया ना जाए, भरपूर अय्याशी ना की जाए, तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? Oh, really? जी आप ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम सोच भी रहे हैं और करेंगे भी। हमें पता चला है कि गुलफाम कली के कोठे पर एक बहुत ही कमाल की आइटम आई है, तो आज रात हम उसका मुजरा देखने जा रहे हैं, आप भी आइएगा ठीक रात 10 बजे। चलिए ये तो कमाल हो गया यार, पकड़ा खुद चलकर आ रहा है फंसने के लिए। वेरी गुड। गुरी जी सब ठीक हो जाएगा, अंगूरी जी दिल छोटा मत कीजिए। क्या करें अनीता जी, क्या करें, हमरी तो कुछ समझ ना ही आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है हमरे साथ। हेलो लेडीज, कम ऑन भाभी जी, चीयर अप, चीयर अप, जो होना था वो सब हो गया भाभी जी, इज अ गॉनर, नाउ स्टार्ट अ फ्रेश जिंदगी, नए सिरे से शुरू कीजिए, कम ऑन। एक शो आता है टीवी में, बड़ा कमाल का शो है, उसका नाम भाभी जी घर पे। हाँ वो शो तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ वो तो हमको भी बहुत पसंद है। अरे भाई ये शो तो हमें भी बहुत पसंद है, लाइए ना, लगाइए 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 ना यार। गौर से देखिए इन दोनों बेशर्म बदमाश लौंडों को, जो कि शरीफ लोगों के बारे में गलत रिपोर्टिंग करके उनको बदनाम करने का काम करते हैं। अब तक दरोगा हप्पू सिंह और मनमोहन तिवारी समेत करीब दर्जन भर लोगों के बारे में गलत रिपोर्टिंग करके झूठी खबरें फैलाकर उनको बदनाम करने का काम कर चुके हैं ये दोनों लौंडे। देखिए ध्यान से इनको। रो रहे हो ना? अरे हम ऑपरेशन करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे सारे। नहीं करूंगा, हमारी तौबा, हमारी बाप की तौबा नहीं करेंगे। देखो जी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो दरोगा जी। वो कहा है कि तिवारी भैया और आपको जो ऑपरेशन है ना, हमने जानबूझ कर ना करा, तो वो तो बल्कि कहो ने हमसे कराओ, तो कहू ने करवाओ, तो नाम बोल सारे कौन ने करवाओ, तो हॉस्टिंग ऑपरेशन विभूति भैया ने करवाया, तो विभूति भैया ने आपकी और तिवारी भैया की कमर में दई थी। अच्छा तो जो सारू को सारू राय, तो मैं नल्ला को फैलाऊ बहु है। ठहर जाओ ससुर, तेरी वजह से हम सस्पेंड हो गए, पूरे कानपुर में ससरे हमारी बदनामी हो गई। ठहर जाओ बेटा, आ रहे हैं, आके तेरे हम गुर्दे नीले कर देंगे। आई लाइक इट। देखा भाभी जी आपने, उन्होंने हमारे खिलाफ किस तरह की साजिश रची, आपने देखा भाई? वो तो हम होशियार थे जो समझ गए कि किस मनहूस आदमी ने हरकत की है, और हमारे आसपास इनसे ज्यादा मनहूस और कौन हो सकता है। तो हमने भी पत्ते खोल दिए। देखो व्हाट इज दिस, क्यों किया तुमने तिवारी जी के खिलाफ ऐसा? काहे चुप काहे आप, हां बोलिए ना, काहे किया आप हमरे लड्डू के भैया के साथ ऐसा, काहे किए?
भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन शुरुआत आपके लड्डू के भैया ने की थी। क्या शुरुआत की थी हमने बताइए, क्या शुरुआत की थी हमने? आपने मेरा वो फूल वाला वीडियो बनाया, फिर अनु को दिखाया और अनु ने मेरा बैंड बजाया। वो इतनी सी बात को लेकर तुमने तिवारी जी के खिलाफ इतने बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस कर दिए। हाँ, अपने साधे तोड़वाने का तो पूरा इंतजाम कर दिए थे आप। अभिजी, I'm sorry, I'm really, really, genuinely sorry. सारी सारी इधर नहीं, उधर बोलो, उधर तिवारी जी की तरफ। तिवारी, I'm sorry. ठीक है, it's okay. तिवारी जी, क्यों उदास हैं? हाँ, cheer up. हम आपकी और अंगूरी जी की शादी फिर से करते हैं। नहीं भाभी जी, हम इन आडंबरों में विश्वास नहीं करते। क्या है कि फिर से अगर वो पंडित आ गए और उन्होंने अपने गलत मंत्र पढ़ दिए तो? भैया, तो कॉल है क्योंकि भैया आप और हम कुंवारे एक साथ रहेंगे? नहीं नहीं, हमको बहुत शर्म आता है। अरे हम अभी यही तुम्हारी शर्म उतार देते। गार्जी, नॉट हियर। मतलब हम अभी इसी वक्त तुमसे शादी करते हैं पगली? और वो कैसे करेंगे शादी पगली? मैंने क्या किया यार? I didn't do anything. शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। ए हेलो, विभूति नारायण मिश्रा। ओहो सुल्लू, Great to see you, man. बहुत सालों बाद देखी। ओह, तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। अरे यार, क्यों नहीं पहचानूंगा? ओल्ड कानपुर में तो हमारी पड़ोसन हुआ करती थी। यार? बस पड़ोसन हुआ करती थी। अरे यार, वो बचपन की बातें, बचपन की बेवकूफी छाने दो ना, छोड़ो ना। बचपन का प्यार ही तो असली प्यार होता है। अच्छा छोड़ो, इसे बताओ कि तुम्हारी कैसी कट रही है? मेरी तो ठीक है, मैंने एक बहुत बड़े आदमी से शादी कर ली है और मेरी लाइफ सेट है। Good, I'm happy to see that. Hey, good. और तुम सुनाओ? Well, मैंने भी शादी कर ली एक लड़की से। ओ, कैसी है वो? देखने में अच्छी है और अपना ये ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है। ओह ग्रेट, और तुम क्या करते हो? एक्चुअली देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बस घर का काम करता हूँ, घर की साफ सफाई, बर्तन धोना और यू नो कपड़े उपड़े, दैट्स इट। वाओ, कितनी लकी है तुम्हारी बीवी, जो तुम्हारा जैसा नौकर छाप पति मिला। बस ऐसा तुम समझती हो? क्यों, वो नहीं समझती? अरे यार, सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? कभी घर पे आओ चाय पे। आऊंगी आऊंगी, ये लो, इसमें तुम अपना नंबर डाल दो। ओके। अच्छा, तो ये आदमी है जिसके चक्कर में पड़कर मेरी बीवी मुझे इग्नोर कर रही है। इस आदमी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हेलो अम्मा जी, आप नाम कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक बा। आप कैसे बा? लड्डू के भैया भी ठीक है, अभी खोके पर गए हैं।
भाभी जी दरवाजा खोलो। हाँ हाँ आ रहे हैं। अम्मा जी चिल्लू भैया आए, बाद में कॉल करते हैं। हाँ 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 प्रणाम। खोलो दरवाजा भाभी जी। हाँ आ रहे आ रहे। अरे भाभी जी पानी लेकर आओ, जल्दी से पानी ला। अब मैं क्या बताऊं क्या हुआ, पानी लियो जल्दी से, मुझे डर है कहीं ये टपक ना ले। जल्दी लाओ भाभी पानी लाओ। बेहोश हो गई कल, लेकिन भैया क्या हुआ? निकल तो ना लिए, ला मुझे दो पानी। नहीं नहीं सांस चल रहा है। अजी क्या हुआ? अरे अंगूरी, अरे हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए राव। अजय लड्डू के भैया आपकी इज्जत कौन लूट कर ले गया? अरे भाभी जी इज्जत का अकाल तो सेठ जी के पास पहले से पड़ा है, तो इज्जत तो कोई ना लूट के ले जा सके। तो फिर कहाँ लूट कर ले गया? महानगर पालिका वालों ने सेठ जी का खोखा लूट लिया। हाँ पगली, महानगर पालिका के कुछ अफसर हमारी शॉप पे आए थे और उन्होंने हमारी शॉप ये कह के सील कर दी कि वो नाजायज है, मतलब इल्लीगल है। आए रे वर गया। अब क्या होगा, क्या होगा हमरा? अरे भाभी जी इनका जो होगा सो होगा, आप जे सोचे कि मेरा क्या होगा, अरे मेरी तो सारी ऊपर की कमाई भी मारी गई भाभी जी। तेरी कौन सी ऊपर की कमाई मारी गई बे हमारे शॉप से? अब रहने दो सेठ जी, रात गई बात गई। तुम तो मेहरबानी करके हमारी 6 महीने की तनख्वाह दे दो, ताकि जब तक हमारा दूसरा कोई काम न लगता कम से कम खर्चे पानी तो चलता रहे हमारा। अबे कितना कमीना है बे तू, कितना कमीना है, यहाँ हमारी शॉप सील हो गई है, तुझे अपनी तनख्वाह की पड़ी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है सेठ जी, इस चक्कर में क्या मैं अपनी 6 महीने की तनख्वाह छोड़ दूं? भाभी बोलो ना का है? ओ टिल्लू भैया का तनख्वाह दे दीजिए ना, वो का खाएंगे का पहनेंगे? अंगूरी तुम सब्र रखो, समझी सब्र रखो। हमारी शॉप अभी सिर्फ सील हुई है, पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, हम अपनी जान झोंक देंगे लेकिन दुकान नहीं बंद होने देंगे। हाँ कछु कीजिए, कछु कीजिए, जल्दी कछु कीजिए। अगर आपका एक अच्छा बनियान का खोखा बंद हो गया तो हमको वापस गांव जाना पड़ेगा। नहीं नहीं पगली, हम भाभी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।